to the new brand episode of Shaista's Kitchen. Don't mind my jhumkas because I'm loving it. So मैंने पहन लिए, क्या हुआ पूरा देख लें आप ज़रा. ये अगेन दोस्त की शर्ट जो कि उसने मुझे दे दी है क्योंकि मैं ये तीसरी दफ़ा पहन रही, तो कहती है खुदा का वास्ता वापस ना करें आप रख लें. ये वो होती कि हम खुद ही गले पड़ गए. ओके, तो हम आज बना रहे हैं मसाला विंग्स. ये विंग्स मैंने स्किन समेत ले लिए हैं. इसमें डालना क्या क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, क्योंकि इस वक्त एसएल डिजिटल का शाइस्ता किचन इज़ ब्रॉट टू यू बाय शफ़क कुकिंग ऑयल, आगाज़ नई सुबह का और रू अफ़ज़ा ज़िंदगी मुबारक. राइट, याद हो गया, तीसरे एपिसोड में ऐसे ही होता है. ओके, सो ये विंग्स जो कि स्किन के साथ हैं, आपको पहले से बताना पड़ता है. ये इसलिए मेरी प्रैक्टिस है कि मैंने बहुत दफ़ा ये लेने की कोशिश की तो वो फॉर्म बना के नहीं देते. वो कहते जी बाजी पहले से फ़ोन करके बताएं कि आपको स्किन वाली चिकन चाहिए ब्रोस्ट के लिए भी या किसी, तो आप पहले से उसको अपने चिकन वाले को बता दें कि भाई स्किन नहीं उतारनी है, रखें वैसे ही. ठीक है, सो अब हम इसमें शामिल क्या क्या करेंगे. सबसे पहले तो ये भुना हुआ बेसन, ठीक है, तो एक चम्मच है तो बस एक चम्मच, नॉट हीट, ठीक है. और इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा गहन पेपरिका, हाँ थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा. और ये है गरम मसाला, और एक होती है चीनी जिसको कहते हैं हम, मैं ये नहीं डाल रही, नो 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 टर्मेरिक, नो हल्दी, ठीक है. एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं मैं और आप चाट मसाला, लेकिन मैं इसका एक और प्यारा सा नाम रखती हूँ और ये कहती हूँ कि ये टेस्ट सेवियर है. जब भी टेस्ट अच्छा ना आए तो आप चाट मसाला किसी भी चीज़ में डाल लें और अपनी इज्जत बचा लें. चाट मसाला थोड़ा सा, क्योंकि मुझे शक है कि ये टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा ना हो जाए. ओके, और ये थोड़ी सी दही, दैट्स इट. ओ नमक भूल गए, नमक तो लाओ यार. जितनी देर में नमक आता है उतनी देर में हम लेमन स्क्वीज कर देते हैं इसके ऊपर. आपको पता है मैरिनेशन में आप सिरका और लेमन इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, विटामिन सी भी मिल जाता है एंड सिरका इज़ अगैन वेरी गुड फॉर हेल्थ. आप सिरका, खाने का सोडा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने खानों में फ्रीक्वेंटली शामिल रखा करें अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, ठीक है. अगैन पिंक सॉल्ट, नथिंग लाइक इट, पिंक सॉल्ट से ज़्यादा अच्छा कोई सॉल्ट नहीं. सो इसको, ये मेरी अपनी पर्सनल एंडोर्समेंट है ना, ये मैं अपने पेशेंट्स को भी करती रहती हूँ. ओके, सो मैरिनेशन इज़ डन. इसको मैं रखूँगी ख्वाबों के फ्रिज में तकरीबन कोई एक घंटा, ख्वाबों के फ्रिज में, ठीक है. ये मैरिनेशन इज़ डन. आप इसको ख्वाबों के फ्रिज में एक घंटे के लिए रख दें और आए मेरे साथ. ये अब हम रखेंगे, नहीं यार शफा कुकिंग ऑयल नहीं मिलाया, एक तो हेक नहीं आएगी कोई, क्योंकि हेक से पाक है, ओमेगा 3 और 6 हैं, और प्लस ये इसका ये लाइट कलर आपको ये बताता है कि इससे आपको खाने से तबीयत में भारीपन नहीं पैदा होगा. अब आप बटर पेपर पे, जो कि ऑलरेडी मेरी टीम ने मेहनत करके लगाया हुआ है एयर फ्रायर में, अब मैं इसको प्लेसिंग करूँगी एंड देन यस. ट्रंग वाला शॉट है ये, जादू हो गया. देखिए कैसे 2 मिनट में ये तैयार हो गया. नहीं झूठ बोल रहे हैं हम लोग बिल्कुल. ओके, सो ये मेरे जो स्पाइसी विंग्स हैं वो तैयार हो गए हैं, लेकिन अगेन मैं आज रू अफ़ज़ा को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ साथ चाहूँगी कि कोई ड्रिंक भी मेरे साथ हो, मगर आज मैं ड्रिंक बना नहीं रही, बनाऊँगी कैमरा बंद होने के बाद बनाती हूँ. लेकिन ये याद रखिएगा कि मशरूब मशरक रू अफ़ज़ा, इसमें 21 फलों फूलों की जड़ी बूटियों का अर्क शामिल है, इसलिए नेचुरल शुगर है और ये आपको फ़ौरन भूख नहीं लगाएगा, रिफ़्रेशिंग तरोताज़ा रखेगा आपको, और दिन भर के कामों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊंग नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी ज़्यादा, और आप तसल्ली से फ्रेश होके अपने हर रूटीन को पूरा कर सकेंगे. सो मैं रू अफ़ज़ा थोड़ी देर में बनाती हूँ, क्योंकि मैंने शिया सीड सोक किए हैं उसके साथ बनाऊँगी, मज़ेदार लगता है. बच्चे मेरे नहीं पसंद करते शिया सीड्स के साथ, वो खाली रू अफ़ज़ा पसंद करते हैं, मगर मुझे शिया सीड्स के साथ पसंद है. शहज़ोर तुम बना के ला दो शिया सीड्स के साथ रू अफ़ज़ा. मैं नीचे जा रही हूँ, हाफिज़.